हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज हम आपको दिखाएंगे नारनौल हरियाणा की चोर गुंबद। इस चोर गुंबद की एक कहानी बहुत मशहूर है, वो जो हम आपको सुनाएंगे। इस गुंबद का नाम चोर गुंबद क्यों पड़ा हुआ, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो बने रहिए एंड तक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाला बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, ये गुंबद जो आप देख रहे हैं ये शहर के उत्तर के अंदर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत इमारत है और इसको चट्टानों के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, ये जो गुंबद देख रहे हैं आप, ये दो मंजिला इमारत से बना हुआ है। इस गुंबद को फिरोज शाह तुगलक ने अफगान जमाल खां के मकबरे के रूप में बनवाया था। इस गुंबद का निर्माण 1351 से 1388 ईस्वी के दौरान कंप्लीट हुआ था। इस गुंबद को चोर गुंबद इसलिए कहते हैं कि यहाँ चोर और लुटेरों का यह गढ़ बन चुका था। जो भी कोई माल या कोई चोरी करता, वह यहाँ पर आके अपना माल और चोरी का सामान निकालता और यहाँ पर रुकता। इसलिए इस इमारत का नाम चोर गुंबद के नाम पर प्रसिद्ध हुआ है। अभी सरकार द्वारा इसका न्यू जीर्णोद्धार करवाया गया है और आज ये पर्यटक स्थल के रूप में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत ये स्मारक बन के अपने सामने आई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी अनेक सी वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी अनेक सी वीडियो आपको मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा। और शेयर करें जितना हो सके। धन्यवाद।